हेलो एवरीवन वेलकम टू एक्सर्जिक इस इंटरव्यू इस डिस्कशन में हमारी बात आशुतोष रमन से हो रही है और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आशुतोष रमन फॉर सच अ ग्रेट रैंक अपने बारे में थोड़ा स्टूडेंट्स को बताओ कहाँ से बिलोंग करते हो अभी क्या कर रहे हो क्या प्रोफाइल है सर मेरा नाम आशुतोष रमन है मैं समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ मैं अपना

क्वेश्चंस के अबाउट ज़्यादा थी तो आई थिंक एकूरेसी वहाँ पे ज़्यादा बेहतर हुई hmm. तो क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पेशली जो फर्स्ट टाइम देते हैं yes, उनके माइंड में यही रहता है क्योंकि माइंड में चल रहा है वही आइडिया एग्जाम सेमेस्टर वाला कि सिलेबस खत्म हो गया तो पास हो जाएंगे वो आइडिया माइंड में रहता है लेकिन वो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पकड़ना कि टॉप हंड्रेड टॉप फिफ्टी ये ऐसी रैंक है जहाँ पे आप बिना न्यूमेरिकल स्किल के पहुंच ही नहीं सकते हो। exactly, वो बहुत जरूरी है तो क्या आप न्यूमेरिकल जो लर्निंग्स आप ली, आपने ली ली क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व किए क्या क्या सोर्सेज यूज किए उसके बारे में थोड़ा बताओ सर सोर्सेज सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स वही है कि सबसे पहले टेस्ट सीरीज देते हैं और उसको प्रॉपरली एनालाइज करते हैं तो सर मैं पिछले कुछ साल के जो टेस्ट सीरीज थे उससे पहले तो स्टार्ट किया

सर मैंने एक्सर्जी का भी कोर्स लिया था बिल्कुल और सर वो बहुत ही मतलब सही था क्योंकि आप जिस तरह से समझाते हैं बिल्कुल मतलब बेसिक के साथ वो हमको लगा मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में मिसिंग था एक्चुअली कि मतलब बिल्कुल बेसिक से अगर स्टार्ट करें ना तो जैसे इस बार के पेपर में था कि मतलब वो जो पैटर्न था कि डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आता है उसको ब्रेक करके उसने कुछ क्वेश्चन के अंदर हटा लिए थे और कुछ अच्छी क्वेश्चन आई थिंक एक सेकेंड पेपर में था इम्पल्स वाले क्वेश्चन काफी अच्छी क्वेश्चन थी तो अगर वो बेसिक नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो मुझे भी किया था एंड में बट पॉइंट ये तुम्हारा सही है, कि जो है वो क्लियर रहने बहुत जरूरी है और हमारे भी कंटेंट में फोकस इस पे ही रहता है कि बेसिक्स एज वेल एज न्यूमेरिकल स्किल्स ये दोनों हम स्टूडेंट्स किस तरह डिलीवर कर पाए अच्छा इसमें जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि एमटेक के साथ भी प्रिपेयर करते हैं क्योंकि जिनको शायद एम में उतना अच्छा ब्रांच या उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल ये पाया ये। उतना अच्छा स्पेशलाइजेशन नहीं मिल पाया तो क्योंकि तुमको एम का भी एक्सपीरियंस है तो तुम उस बेसिस पे क्या एडवाइस देना चाहोगे कि, कि किस तरीके से वो अपनी प्रिपरेशन मैनेज कर सकते हैं जो अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए एमटेक के साथ गेट देते हैं सर तो जो फर्स्ट ईयर ऑफ एमटेक में होता है वो जनरली थोरिटिकल सब्जेक्ट होते हैं मतलब रिसर्च बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो वैसे में क्या होता है कि आपका जो क्रेडिट है उसके साथ आप कर सकते हो प्रिपेयर लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा आई I मीन mean कि अगर आप एक बार डिसाइड करते हो क्योंकि रात में तो जनरली आपके पास अकेडमिक्स का कोई काम नहीं रहता है तो आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा कि रात में चार या पाँच घंटे हमको कंटिन्यूसली देनी है जो कि वो एक्चुअली एक टफ वर्क होता है बट अगर मैनेज करना चाहें तो मतलब किया जा सकता है मैनेज क्योंकि रहता है बट इतनी ज्यादा टफ नहीं होता है कि उसमें मतलब बिल्कुल ही टाइम नहीं मिले तो चार पांच घंटे जा सकते हैं क्योंकि बीटेक के साथ मैनेज करना और एमटेक के साथ दोनों थोड़ी अलग चीजें रहती है, और है। और पे रहते हैं तो ये भी कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस बारे में बीटेक के साथ एक रहती है कि बीटेक का ऑलमोस्ट सिलेबस उसी टाइप ऑफ सिलेबस होते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता है तो दोनों को हैं, फर्क नहीं पता चलता है, बट जब हम लोग में आते हैं तो वो हो जाता है, वहां पे आपको के काम करना, होता है, करना, होता, है, तो वो करना होता है बट सर फिर भी अगर दोनों को बिल्कुल अलग रखें कि ये टाइम मेरे मास्टर्स के लिए और ये टाइम मेरे प्रिपरेशन के लिए तो किया जा सकते हैं तो किया जा सकता है इसमें तो नोट्स कैसे बनाए जाएं क्या गलती अवॉइड की जाए कैसे इंश्योर किया जाए कि नोट्स में हमने सब लिख, लिख लिया है तो उसमें बहुत सारे मतलब डेरिवेशन पार्ट होते हैं और वहाँ पे एग्जाम्स में वही पूछे जाते हैं तो आई थिंक डेरिवेशन को एक बार समझ लेना सही है बट उस डेरिवेशन को हर बार हम लोग उस नोट में नहीं रख सकते हैं जिसको ऑलवेज रिवाइज करना है तो हम लोग को सबसे पहले मतलब ये देखना पड़ेगा उसमें कि इसमें से क्या क्या है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं hmm. उसके लिए हम प्रीवियस ईयर गेट का हेल्प ले सकते हैं कि अगर वो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि उस क्योंकि प्रीवियस ईयर गेट बुक जो आता है उसमें तो सब्जेक्ट वाइज रहता है तो हम जाके उस चीज को देख सकते हैं कि अच्छा इससे आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम नोट्स प्रिपेयर करें ना कि मतलब जो डेरिवेशन लेंदी लेंदी हो तो उसको स्किप करके शॉर्ट में जो न्यूमेरिकल के लिए ज्यादा मतलब हेल्प करेंगे hmm. उस टाइप से शॉर्ट नोट्स बनाए तो ज्यादा बेहतर है और इसमें जो न्यूमेरिकल से डायरेक्ट सीखने को मिलता है जैसे yes. न्यूमेरिकल सॉल्व करके कुछ बढ़िया चीज समझ में आई yes. जैसा कि थ्योरी से जैसा हमने डिस्कस किया सब नहीं आती है उसको फिर कहाँ अलग से नोट डाउन करें या कैसे उसको उसी नोट्स में कैसे डालें या उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करें क्या इसमें स्ट्रेटेजी तुम नहीं उसकी सर जो भी मतलब लगता था कि नहीं ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है उसके लिए सर एक शॉर्ट नोट बनाए थे ठीक तो है उसमें बस इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंस फॉर्मुले रहते थे तो अगर कुछ ऐसा लगा क्योंकि कई बार क्या होता है छोड़ी पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन कोई कॉन्सेप्ट होता है जो बिल्कुल नहीं क्लियर नहीं होता है बट एक न्यूमेरिकल करने के बाद लगता है अच्छा इसको तो ऐसे करना चाहिए मैं कुछ और ही सोच रहा था तो वैसे चीजों को क्या होता है कि अगर आप शॉर्ट नोट में अलग से रखते हो तो मतलब ये नहीं होता है ना कि आपको हर बार रिवाइज करना पड़ता है क्योंकि वैसे चीज क्या होते हैं जल्दी भूल भी जाते हैं तो उसके लिए अगर वो शॉर्ट नोट में रहेंगे तो हम लोग फ्रिक्वेंटली उसको रिवाइज कर पाएंगे तो वैसे के लिए एक अलग नोट्स रखें बिल्कुल अच्छा जो तुम्हारी ओवरऑल जर्नी रही प्रिपरेशन की yes, कॉलेज के साथ और उसके बाद फिर तुमने एम किया और उसके बाद गेट दिया yes, इस पूरी जर्नी में से कोई एक चीज तुम बताना चाहो स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए या कोई ऐसा इमोशनल सपोर्ट तुम्हारे साथ रहा कुछ भी एक ऐसा मोमेंट या कोई टिप्स जो तुम उनको देना चाहो तो तुम बता सकते हो सर हमको जहाँ तक हमको जो लगता है कि सबसे पहले आपको एक विजन लेके चलना होता है कि मतलब हमको अगर ये करना है तो नेक्स्ट जो भी टाइम के लिए हमने लिया है कि हमको बस वही चीज पे फोकस रखनी है तो वो नहीं किया मतलब एक टाइम में चार चीजें कर रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट का था कि चलो गेट भी देते हैं प्लेसमेंट सीजन को भी उतने ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और मतलब बाकी चीज भी उतने ही कर रहे हैं तो आई थिंक एक गोल रखना चाहिए बाकी अगर होनी होगी तो सप्लीमेंट्री के रूप में वो ऑटोमेटिक अचीव हो जाएंगी तो सर हमको वही लगता है

उसमें आप जाएं और वहाँ पर भी अपनी स्किल से आ, उस ऑर्गेनाइजेशन का और कंट्री को कंट्रीब्यूट करें कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन